नाम इंस्पेक्टर रविशंकर सरोज है सर। एनडीआरएफ की टीम लगभग परसों दिन से कल से तलाश रही थी, कहाँ पे मिला बॉडी सर? यहाँ पे परसों के डरावने के केस है और अभी मॉर्निंग में 11:15 पे महरैल केला करके एक लोकेलिटी है जो यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर आगे है, वहाँ पे डेड बॉडी हमें रिकवर हुई है, वहाँ से प्राप्त किया है और अभी आप देख रहे हैं तो उसको हैंडओवर किया जा रहा है। बॉडी किस कंडीशन में थी? बॉडी लगभग ठंड की वजह से ज़्यादा ख़राब नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन थोड़ा मौसम अच्छा है, फेवरेबल है तो ज़्यादा डैमेज नहीं हुई है। लगभग कितने फीट गहरा में पाई गई है? गहराई लगभग ये पानी का अभी बॉडी क्या है कि जब इसका पानी खाने के बाद वेट हो गया, वेट हल्का खा के ऊपर आती है तो ये ऊपर आ रही, हमारे जब बोर्ड पर हॉलिंग थी तो वजह से ऊपर आई तो हमें मिली। पानी गहराई तो कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, लेकिन अंदर पानी का फ्लो ज़्यादा है, आपको ऊपर दिख रहा है कम लेकिन अंदर जो है पानी काफ़ी तेज़ी से बह रहा है। ये रीज़न है कि पानी यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर आगे तक बहती चली गई बॉडी। धन्यवाद। साथ इस समय सीओ मैम मौजूद है, मैम जिस तरह की घटना हुई है क्या कहना चाहेंगे? सुनने में आ रहा है कि अक्सर यहाँ पे हर साल इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है, तो हम अपील करेंगे लोगों से, अब तो जो ये घटना हो गई उसके बाद तो जो इन लोगों को हमने कहा है कि अपने स्तर से भी एक कमेटी बनाइए जिसमें यहाँ पे सुरक्षा के लिए कुछ आप लोग नियम कानून बनाइए, क्योंकि स्थानीय व्यवस्था ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। बाकी हमारे अंचल कार्यालय से जो संभव है, जो इसमें सहयोग होगा वो भी हम सुनिश्चित करेंगे। और ये घटना जो हुई है इसमें मतलब इसको इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है अगर थोड़ा सा हम सतर्कता रखें, अपने ये में जहन में बात रखें कि हाँ यहाँ कुछ परेशानी हो सकती है, क्योंकि नदी है, बहुत जगह घाट बने हुए हैं जो सुरक्षित घाट है, तो आप वहाँ पर स्नान कीजिए, कोई परेशानी नहीं है।